यूं तो भारत एक किस्से कहानियों वाला देश कहा जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ ऐसे कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर इंसानों को ना चाहते हुए भी इन रहस्यमय घटनाओं पर यकीन करना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई भारत के अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने ला रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल यूनिवर्स नॉलेज इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, कुलधारा गांव। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है जिसे कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधारा गांव का निर्माण 1292 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1825 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गांव खाली कर दिया। कुलधारा गांव के लोगों ने अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया और तब से लेकर अब तक ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में ये भी आता है कि अगर किसी ने इस गांव की जमीन को हथियाने की कोशिश की तो उसकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो जाती। और तो और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी है। अब कुलधारा गांव के लोगों को इस गांव में लगभग 7 शताब्दियां गुजारने के बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य बन चुका है। नंबर 2, प्रहलाद जानी। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना? लेकिन आप ये जानकर हैरान तो हो जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 70 साल से बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 साल से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। इस रहस्यमय को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन कैमरे की मदद से प्रहलाद जानी पर नज़र रख रही थी। ये नतीजा देखकर डॉक्टरों की टीम भी हैरान रह गई। यहाँ साइंस ने यह दावा करता है कि एक इंसान बिना कुछ खाए एक हफ्ता और बिना पिए 3 से 4 दिन ही जिंदा रह सकता है। वहीं प्रहलाद जानी का पिछले 70 साल से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। नंबर 3, जोधपुर का सोनिक बूम। घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनी गई थी। दोस्तों, जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलती है तो उनके आपस में टकराने से एक आवाज़ उत्पन्न होती है जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है। इस आवाज़ को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में सुनाई देने वाली ये आवाज़ वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम, लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने इस दिन जोधपुर या इसके आसपास के इलाकों में ऐसी कोई भी प्लेन नहीं उड़ाई जिसके कारण इतनी तेज़ आवाज़ पैदा हो। अब ये आवाज़ आई कहाँ से, ये आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, उत्तराखंड का रूपकुंड झील। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय ये झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ़ पिघली तो इस झील में और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानी सिपाहियों का कंकाल बताते हैं और वहाँ कुछ लोग इसे जानलेवा और मसूलदार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, 9 अज्ञात लोग। इन 9 अज्ञात लोगों के सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम वक्त को पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 BC में ले चलते हैं।
कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफरेंट किताबें थमाई। इन किताबों को मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और UFO जैसी दुनिया भर की कई अद्भुत बातें थी। इन किताबों को पढ़कर कोई कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को जिम्मेदारियां दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी गलत हाथों में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान के कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पढ़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है ये आज भी भारत के अनसुलझे रहस्य में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।